हेलो एवरीबॉडी, मैं निशा पांडे आपकी सबसे पसंदीदा फूड साइट स्ट्रीट फूड डॉट कैफ़े से। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लद्दाख के बारे में कि लद्दाख कब जाएं। मई के अंतिम हफ्ते से सितंबर तक लद्दाख जा सकते हैं। यहाँ सड़क या हवाई मार्ग से ही पहुँचा जा सकता है। सड़क से जाना चाहें तो एक रास्ता मनाली और दूसरा श्रीनगर से होते हुए है। दोनों ही रास्तों पर दुनिया के कुछ सबसे ऊँचे दर्रे यानी पास पड़ते हैं। मई से पहले और सितंबर के बाद यहाँ भारी बर्फ जमा होने जाने की वजह से ये पास बंद हो जाते हैं। लेह लद्दाख का हेडक्वार्टर है। लद्दाख देखने के लिए कम से कम 6 दिन का समय ज़रूर रखें। अगर इस इलाके को अच्छी तरह देखना चाहते हैं तो 1 से 2 हफ्ते तक का समय पर्याप्त है। आप चाहें तो अपना टूर इस तरह से बना सकते हैं, पहले दिन मनाली वाले रास्ते पर लेह से, बाद हेमसी मोनेस्ट्री के अलावा स्टोक पैलेस और सिंधु नदी के तट पर जा सकते हैं। दूसरे दिन श्रीनगर वाले रास्ते पर लेह के आलची और लेकर मोनेस्ट्री के अलावा मैग्नेटिक हिल जा सकते हैं। तीसरे दिन दुनिया की सबसे ऊंची सड़क देख सकते हैं जो कि नुब्रा घाटी वाले रास्ते पर खारदुंगला जाते हुए है। इसके अलावा समय और हो तो 2 दिन नुब्रा घाटी और 2 दिन पैनग्रोंग लेक के लिए रखें। यहाँ जाने के लिए आपको दिल्ली, मनाली और श्रीनगर से लेह के लिए सीधी बस मिलती है। इसके अलावा दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर से लेह के लिए सीधी उड़ान भी उपलब्ध है। फिर मिलेंगे नए शहर में नए स्ट्रीट फूड के साथ। स्ट्रीट फूड डॉट कैफे से आपकी होस्ट निशा पांडे।